मैं प्रीति अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में डिटेल्स बता देती हूँ कि मैं आपको किस तरीके से सिखाऊंगी। देखिए लेसन्स हर कोई सिखाता है, सब अच्छे तरीके से सिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं आपको इस तरीके से अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगी कि ताकि आपको स्टडी को देख के एक डर ना लगे, कि ऐसा नहीं लगे नहीं यार मैं तो टॉपर नहीं हूँ, टॉपर तो मेरी क्लास में वही दो चार जन जो होते हैं वही टॉपर है। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे बिना स्किप करें तो मेरा मानना है कि आप भी टॉपर बनेंगे। आप थोड़े एक दो वीडियोस आपके जो है स्टैंडर्ड के वो आप उसे पूरा ध्यान से देखें और आप खुद ही जज करें कि आपको जो लेसन मैंने सिखाया है क्या वो आपको पूरा डिटेल्स में आ गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे ब्रीफ हो। मैं सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से दूंगी, सिर्फ आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि टीचर क्या बोल रही है। देखिए मैं टेक्स्ट बुक का तो सिखाऊंगी ही सिखाऊंगी, लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ साथ मैं बाहर का भी सिखाऊंगी। फिर आप सोचोगे अरे टीचर ये तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप इसे क्यों सिखा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको लगता है कि अरे ये टीचर क्वेश्चन आंसर्स तो इसमें नहीं आने वाला है बड़े होके। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको बाहर का इसलिए सिखाऊंगी कि आपसे जब कोई कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछता है तो वो आपको तो नहीं बोलता ना कि ब्ला ब्ला क्वेश्चन कौन सा आंसर जो आपने इतना लेंदी याद किया था इतनी मेहनत करके कि आप उसको बताओ। वो उसमें से कुछ डिटेल पॉइंट पूछता है और वो आपको आता ही नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे आप सेवन्थ में आ गए, आप एट्थ में आ गए, आपको इतना भी नहीं आया। तो हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर किसी को याद नहीं होता, जो नॉलेज होती है ना वही आपको सामने वाला बड़े होके पूछने वाला है और उसी से पता चलता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको टेक्स्ट बुक तो अच्छे से पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले और आप अपने क्लास के टॉपर बने, लेकिन साथ के साथ मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल्स भी बताऊंगी कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में हैं या आपके इवन टीचर्स हैं या कोई भी नेबर है या जान पहचान वाला है, अगर आपसे कुछ पूछे जो आपके रिलेटेड स्टडीज से हो तो वो आपको पूरा आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और आप टॉपर बनेंगे। ये मेरे बेस्ट विशेस हैं आपको, बस आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कि टीचर क्या बोल रही है उसको ध्यान से समझना है। इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो उसे आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 6 का इंग्लिश, तो उसकी जो फर्स्ट पोयम है इस फर्स्ट सेमेस्टर की उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लीजिए। इनकेस आपके पास एट प्रेजेंट टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको मेरी पोयम दिख रही होगी 2.1 द क्लोथ्स लाइन। पहले मैं उसको एक बार रीड कर देती हूँ, फिर मैं वन लाइन में उसकी पूरी समरी बता दूंगी और उसके बाद मैं स्टैंजर्स आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी और उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल्स में उसका बता दूंगी और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आपको पूछ लूंगी कि मुझे उम्मीद है मेरे एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछूंगी आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने मन में उसके आंसर्स खुद करेक्ट बोलेंगे। क्योंकि देखिए एट प्रेजेंट आप मेरे सामने तो है नहीं है कि जो आप आंसर बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा, बस आपको इतना हो जाएगा कि हाँ आपने करेक्ट चैनल खोला है और आप टॉपर जरूर बनेंगे। तो शुरू करते हैं। द क्लोथ्स लाइन, द क्लोथ्स लाइन, हैंड इन हैंड दे डांस इन रो, हिदर एंड दिदर एंड टू एंड फ्रो, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो, लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे कैपर एंड प्रांस, लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस, राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, दे शिवर एंड स्किप इन द मेरी मार्च विंड, One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free. Then leaving packs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a dish or drowned in the stream. She was my handkerchief not long ago, but she will never come back to my pocket, I know. By Charlotte Duet Call. ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो पोयम है ये पोएटस ने लिखी है। किसने लिखी है? पोएटस, पोएटस यानी कवित्री, चार्लेट ड्यूएट कॉल यानी शी इज अ लेडी। क्योंकि देखो बाहर के नाम होते हैं ना तो बच्चों को इतना ही समझ में नहीं आता है कि ये मेल नेम है कि फीमेल नेम है, तो वो पोएटस है। कौन है वो? पोएटस, पोएट नहीं है, पोएटस चार्लेट ड्यूएट कॉल। जब भी आप कोई पोयम लर्न करते हैं बच्चे, कभी कभी छोटी पोएम भी नहीं लर्न कर पाते हैं, कभी कभी बड़ी भी लर्न कर लेते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक सबसे पहले क्या करते हैं, पोएम लर्न कर ली उसके पोएट या पोएटेस का नाम नहीं बोलते। तो जब भी आप चाहते हैं कि आपका इंप्रेशन टीचर के सामने अच्छा आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
पोएम का नाम बोलना है, उसके बाद उसके पोएट या पोएटस का नाम बोलना है। तो इसकी पोएटस कौन है? चार्ल्स ड्यूएट कॉयल। ठीक है, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताती हूँ कि देखो ये क्या है, ये पोएम है। कौन सी? द क्लोथ्स लाइन। कौन सी? द क्लोथ्स लाइन। अब इसमें कितने स्टैंजाज हैं? इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव स्टैंजाज हैं। कितने स्टैंजाज हैं? 5। 4 स्टैंजाज 4 लाइंस के हैं, लास्ट का स्टैंजा सिर्फ 2 लाइंस का है। जब हम लेसन पढ़ते हैं तब हम उसको पैराग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ 3 लाइंस का होता है, कोई बहुत लेंथी पैराग्राफ होता है, और आपने देखा होगा जब पैराग्राफ हम लिखते हैं तो 2 फिंगर स्पेस छोड़ते हैं नोटबुक में। ऐसे आपने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा तो उसमें 2 फिंगर स्पेस छोड़ते हैं तब वो लोग पैरा स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम एक पोएम पढ़ रहे हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैंजास को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनको क्या बोलते हैं? स्टैंजास। तो मैं पहले फर्स्ट स्टैंजा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हैंड इन हैंड डांस इन अ रो, हिदर एंड थिदर एंड टू एंड फ्रो, फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप एंड अवे दे गो, फ्लैटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो। देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, द क्लोथ्स लाइन। व्हाट इज क्लोथ्स लाइन? हम कपड़े धोते हैं, हम इन द सेंस पेरेंट्स। मैं अभी एट प्रेजेंट मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, अब दोनों ही टॉपर हैं। मैं चाहती हूँ जैसे मेरे बच्चे टॉपर हैं आप भी टॉपर बने। आने वाले वीडियोस में मैं अपने बच्चों को भी आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अब इसमें देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि जब आपके पेरेंट्स कोई कपड़े धोते हैं ना, जैसे रोज कपड़े धुलते ही हैं मोस्टली, तो वो क्लोथ्स लाइन में सुखा देते हैं। क्लोथ्स लाइन मतलब या तो कोई रस्सी बांध देता है या किसी के पास कोई, आजकल तो स्टैंड भी है तो स्टैंड पे बांध देता है। तो अभी आपने ये देखो इस पे है ना पोएम में उन्होंने एक ड्रॉइंग भी बनाई है और उन्होंने यहाँ पे है ना ऐसे व्हाइट क्लोथ सुखाते हुए दिखाए हैं। अगर आप देखोगे तो ये लाइट वेट क्लोथ्स दिख रहे हैं क्योंकि हैवी वेट क्लोथ्स जो होते हैं ना वो कभी भी उड़ते नहीं। हैवी वेट्स कैसे? जैसे कि जीन्स पैंट हो गई, आपके बेडशीट्स हो गए हैवी, और ब्लैंकेट्स हो गए, तो आपने कभी भी देखा होगा उसके ऊपर ना पैक्स नहीं लगाते, मीन्स चिमटी लगाते नहीं है। इधर इन्होंने लाइट क्लोथ्स लिखा है उस पर इन्होंने पैक्स लगाए हुए हैं, वो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसे लग रहा है कि कपड़े डालने के बाद में डांस कर रहे थे। जब हम डांस करते हैं तो हम ऐसे ऐसे कुछ नहीं करते, ऐसे हम डांस करते तो हम कैसे भी हिलते डुलते, ऐसे उन्होंने उनको क्या बोला है, हिदर एंड थिदर, मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शंस में डांस करते हैं। अब आपने कपड़े भी देखे होंगे, आपने कभी ऐसा देखा कि कपड़े कभी एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे हैं? नहीं, कोई कपड़ा इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, कोई कपड़ा इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, यानी हिदर एंड थिदर इन एनी इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस एंड टू एंड फ्रो इधर उधर कपड़े उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? कपड़े। फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप एंड अवे दे गो। सी फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप, ये साउंड भी हो गया, और फ्लिप में अगर आप जाएंगे ना अचानक से कपड़ा उठा विद अ सडन क्विक मूवमेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज फ्लैप? फड़फड़ाया। आपने देखा बर्ड्स कैसे हिलती हैं? फड़, अगर आपने बाजू में से देखा होगा, अगर पिजन आपके कभी बाजू से गया होगा आपने एक साउंड देखा होगा, उसको बोलते हैं फ्लैप। उसका साउंड कैसा हुआ? फ्लैप। तो अचानक से वो उड़ा, फ्लिप फ्लैप एंड फ्लॉप। फ्लॉप मीन्स वो गिर गया। इधर ये किसके लिए फ्लॉप बोल रहे हैं? पिक्चर को फ्लॉप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? फ्लॉप मीन्स अचानक से गिर गया। क्या गिर गया? कपड़ा गिर गया, कपड़ा गिर गया, सॉरी। फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप एंड अवे दे गो, दे मीन्स क्लोथ को बोल रहे हैं, और अचानक से जो कपड़ा गिरा वो कहीं चला गया। फ्लैटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो, यानी किसकी तरह वो फड़फड़ाया जो मैंने आपको भी फ्लैप बताया था? फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मीन्स जो उड़ता है ऐसे फड़फड़ाता है। तो मैंने अभी आपको बताया फ्लैटरिंग क्रिएचर कौन सा हो गया? एज वाइट एज स्नो, यानी उन्होंने उस फ्लैटरिंग क्रिएचर को कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? स्नो से। तो व्हाइट फ्लैटरिंग क्रिएचर कौन सा हुआ? व्हाइट कलर का डव, यानी व्हाइट पिजन, डव, ठीक है, व्हाइट पिजन। यानी व्हाइट पिजन क्यों? ऐसा तो व्हाइट आउल भी होता है, बोलेंगे मिस। देखो हम कपड़े मोस्टली सुबह ही धोते हैं, शाम को बहुत कम धोते हैं, तो मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे ना तो व्हाइट पिजन हमारे घर के इधर आ जाता है, तो उनका कहना व्हाइट पिजन आता है, हम लोग उसको उड़ा देते हैं कि कहीं कपड़ा गंदा ना कर दे, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने उसको कंपेयर किया है, व्हाइट फ्लैटरिंग क्रिएचर एज वाइट एज स्नो। उन्होंने उस फ्लैटरिंग क्रिएचर का नाम नहीं डाला है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे फ्लैटरिंग क्रिएचर एज वाइट एज स्नो क्या हुआ, तो आप बोलेंगे डव, व्हाइट आउल आप नहीं बोलेंगे। और बाकी अगर आपके यहाँ कोई व्हाइट बर्ड आती हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपके यहाँ कौन सी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्यादातर व्हाइट कलर का डव ही आता है, यानी सफेद कबूतर। लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे कैपर एंड प्रांस, लाइक फेरी टेबल टेल विच इज दे वाइडली डांस, राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, दे शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड। अब आप देखो उन्होंने लाइक किसको बोला है? कपड़ों को। वो कपड़े किसकी तरह रेस्टलेस है? रेस्टलेस मतलब कि वो एक जगह नहीं बैठ रहे। क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि वो कपड़ों क्लोथ्स लाइन पे सूख रहे हैं और हवा आ रही है, तो रेस्टलेस है। किसकी तरह? हॉर्सेस की तरह। अगर आपने देखा होगा कि हॉर्स कभी भी है ना एक तरफ नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ है ना मूवमेंट जरूर करेगा,
ठीक है, हॉर्स को उन्होंने किससे कहा, किससे कंपेयर किया, रेस्टिव यानी रेस्टलेस, रेस्टिव मींस रेस्टलेस, द कैपर एंड डांस, सी कैपर एंड प्रांस, कैपर मींस होता है ना शरारत करते रहते हैं, आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, देखो आप तो अभी अच्छे से बैठ जाएंगे, अगर फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे बोलेंगे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करेंगे, तो ऐसे उन्होंने हॉर्सेस को किससे कंपेयर किया है, द कैपर एंड प्रांस, प्रांस मींस उछल कूद करते रहेंगे, कौन, हॉर्सेस, और हॉर्सेस को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, क्लोथ से, जो कि उन्होंने क्लोथ लाइन पे सुखाए हैं, लाइक फेरी टेल विच इज द वाइडली डांस, यहाँ पे देखो उन्होंने नीचे मीनिंग में एक बोला है वाइडली, यहाँ पे वाइडली डिफरेंट मीनिंग है, हेयर इट मीन्स वेरी हार्ड वायलेंटली, यानी वायलेंटली जो फेरी टेल्स आपने देखे होगी, परियों की कहानी हम देखते हैं बचपन की कुछ कहानियां देखते हैं तो उसमें विचेस होती हैं, मैं आपको एक विचेस की इमेजेस दिखा देती हूँ, ये देखो यानी वो कपड़े किसकी तरह उड़ रहे हैं, चुड़ैल बोल सकते हो या डायन की तरह बोल सकते हो, तो उन्होंने उसको उस तरीके से कंपेयर किया है, ठीक है। राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड द शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड, यानी वो राउंडेड इन फ्रंट एंड होलो बिहाइंड द शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड, यानी वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप सामने से देखेंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे कपड़े राउंड हैं, यानी इस तरफ से है राउंडेड है, और आपने अगर मूवीज में या सीरियल्स में देखा होगा या एड में देखा होगा कपड़े सूख रहे होते ना तो लोग उसके बीच में से क्रॉस होकर चले जाते हैं, हवा चल रही होती है और लोग उसके बीच में से चले जाते हैं, तो सेम चीज उन्होंने बताया है कि बट होलो बिहाइंड द शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड, यानी कपड़े एक तरीके से क्या हो रहे हैं, शिवर हो रहे हैं, जैसे अपने को मन में ठंड लगती है तो हम शिवर हो रहे हैं, जब हम स्टार्टिंग में कपड़ा लेते हैं वो शिवर हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मार्च में जो हवा चलती है तो जब गर्मी हो रही होती है तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि द शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड, यानी मार्च की हवा में, कौन से मंथ बताया इसमें, कौन सा मंथ मेंशन है, मार्च मंथ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोथ्स लाइन में कौन सा मंथ मेंशन है तो मार्च, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, शिवर कर रहे हैं और फिर वो स्किप कर जाते हैं यानी जंप लगा के वो उड़ जाते हैं। वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री देन लिविंग पैट्स एंड क्लोथ्स लाइन बिहाइंड हर शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर। अब देखो ये वन आई सॉ कौन बोल रहा है, वन आई सॉ चार्लेट ड्यूएट कॉल, इनकी पोएटर्स बोल रही है, कौन बोल रही है, चार्लेट ड्यूएट कॉल बोल रही है कि वंस आई सॉ की एक जो क्लोथ था वो ऐसे लग रहा है कि बहुत एक्साइटेडली है, देखो किसी चीज़ के अगर हमारा बर्थडे हो या हमें कहीं जाना हो या हमारे पसंद की कोई भी चीज़ हो अगर हमें वो करना हो तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसे ही उस कपड़ा इतना एक्साइटेड था कि उसने जो उसको फ्री होना था कहाँ से, क्लोथ्स लाइन से, उसको कहीं जाना था, ये देखो एक इमेजिन है कि उसको कहीं जाना था, उसने इतना स्ट्रगल किया कि वो जो पैक्स होते हैं ना, अगर आपके घर पे भी होंगे आप देखना, पैक्स बोलते हैं हम लोग इसको, चुटकी बोलते हैं हमारे घर पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइए मुझे कॉमेंट में, तो हमारे यहाँ इसको चुटकी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पैक बोलते हैं, तो उसने क्या किया कि पैक्स को इतनी हवा तेज आई कि कभी कभी आपने देखा होगा कि पैक्स लगाने के बाद भी, ये चुटकी लगाने के बाद भी कपड़े नीचे गिर जाते हैं जो कि लाइट वेट में होते हैं, ठीक है, वो उड़ जाते हैं और उसकी जो क्लोथ्स लाइन थी बिहाइंड हर, हर मतलब कपड़े को, वो बोल रहे कि उसने वो कपड़े को क्या किया, चुटकी निकल गई और वो कपड़ा कहीं उड़ गया, और वो कैसे उड़ा, लाइक अ बर्ड, और देखो उन्होंने ये लाइन पहले ही बोला, फ्लटरिंग क्रिएचर, इसीलिए बर्ड यहाँ पे मेंशन है, इसलिए मैंने आपको डव बोला था, डव मीन्स व्हाइट पिजन, सफेद कबूतर, एंड नो वन कैन फाइंड हर, और सिंपल चीज है, देखो अगर अपने नियर बाय गिरी है हमने तुरंत देख लिया तो हम नीचे से उठा सकते हैं, अगर हम बहुत देर बाद देखेंगे हवा तेज है तो वो कहाँ चला गया उड़ के, वो उसको पता नहीं है, चार्ली ड्रेक कॉल को। आई सॉ हर ग्लिम लाइक अ सेल इन द सन, फ्लिपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, नोबडी इज नोज वेयर शी नाउ कैन बी, हिड इन अ डिच और ड्रॉन्ड इन द सी। See, I saw her glim, वो क्या बोल रही कि उसने है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि सन की जब रेज आती है ना तो बोट चल रही है तो उसमें क्या है ना एक प्रकाश की लाइट बोलते हैं ना, उजाला आता है, किरण आती है, तो उसने उनको देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे सन के इसमें है ना वो चल रही है, बोट चल रही है और उसमें से ना एक रोशनी सी आ रही है और उसमें वो जो क्लोथ है कौन सा, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग करके वो उड़ गया, मैंने आपको पहले ही बताया फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लॉप, उसके लिए वो उड़ गया, किस लिए, सिर्फ फन के लिए, किस लिए, सिर्फ मजे के लिए, Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. यानी अभी वो किसी को भी पता नहीं है कि वो जो कपड़ा उड़ के गया कि वो ditch means खाई में जाके गिर गया नीचे या फिर जो सी है सी में जाके डूब गया, कहाँ चला गया वो कपड़ा, या तो खाई में छुप गया जाके, hid, देखो हाइड का past tense दिया है उन्हें hid, अब आप ढूंढने मत बैठना कि hid means क्या होता है, हमने तो hide word, hide and seek biscuit खाते हैं ना हम लोग, ठीक है, hide नहीं,
हाइड का पास्ट टेंस है हिड, हिड इन अ डिश मींस खाई में डूब गया या फिर पानी में सी में जाके डूब गया, ड्रॉन मींस डूब गया। शी वॉज माई हैंडकरचीफ नॉट लॉन्ग अगो बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट आई नो, यानी वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या था, वो जो कपड़ा उड़ा था, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे एक कपड़ा, यहाँ एक कपड़ा, यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया है, और वही वो लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि वो कपड़ा उड़ के चला गया है, और वो क्या था, चार्ली ड्रूइट कॉल पोएटस का हैंडकरचीफ था, क्या था, हैंडकरचीफ था। हैंडकरचीफ को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हैंकी, जो कि उनके पॉकेट में कभी आने वाला नहीं है। मोस्टली हम हैंकी कहाँ रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, ठीक है। और वो उनको ये बात पता है कि वो जो उड़ के कपड़ा चला गया है वो वापस कपड़ा अभी नहीं आएगा। तो मैंने अभी आपको ये पोएम एक्सप्लेन कर दी है, द क्लोथ्स लाइन, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो भी मैं आपको इसकी वन लाइन फिर से बोल देती हूँ कि अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो मैं कुछ आपको पूछती हूँ, आप उसका जवाब दीजिए अपने मन में कि आपको ये पोएम कितनी समझ में आई है। देखिए फॉर एग्जांपल कि इसमें इन्होंने किससे कंपेयर किया, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड में है वो, ठीक है। लेग इन लेग है, नो। पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन सा है, हैंड, नॉट अ लेग, नॉट अ आई, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी आया है, देखो तो क्या होता है कभी कभी, मालूम है कि हमने अच्छे से याद कर लिया, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप सोचो नहीं टीचर ने जो पढ़ाया था वो तो मुझको आता है, ये क्या एक्स्ट्रा इन्होंने पूछ लिया। आपने पोएम बहुत अच्छे से बोल दिया, पोएम बहुत अच्छे से लिख लिया, पोएम का नाम बोल दिया, पोएट्रेस का नाम याद कर लिया, विद स्पेलिंग कर लिया, हाँ, तो भी आपको लोग कंफ्यूज करने के लिए है ना कि देखते हैं इसमें कितना दिमाग है। तो मैं आपको इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, फिर से मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस होंगे मैं आपको डिटेल में पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगी और सामने वाला आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना मेरे को आइडिया है उतना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो अब इसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या आया, हैंड इन हैंड, हैंड यानी मीन्स हैंड आया है, ठीक है। पार्ट ऑफ द बॉडी क्या आया, हैंड। वो सिंग कर रहे हैं कि डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, इसमें मंथ कौन सा आया है, मार्च मंथ आया है, ठीक है। और इसमें क्या उड़ गया, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ का शॉर्ट क्या है, हैंकी। तो और वो हैंकी इन्होंने कहाँ रखने को बताया है, पॉकेट में। लेडीज लोग जो होती हैं वो अपने पर्सेस में भी रखती हैं, हैंड में भी रखती हैं, हैंडकरचीफ है, देखो हैंडकरचीफ आदमी कहाँ कहाँ रख सकता है, हैंड में रख सकता है। पोयम के हिसाब से उन्होंने पॉकेट में बताया कि वो पॉकेट में नहीं रख सकती, इसका मतलब कि वो पॉकेट में ही रखती थी, इसलिए उन्होंने पॉकेट मेंशन किया, ठीक है। हैंकी हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है। तो क्या है, आपका पर्स है, आपका हैंड है, हैंडकरचीफ मीन्स फर्स्ट हैंड है, पर्स है, आपका पॉकेट है, आपका बैग है, कोई भी आपकी चीज जो आपके साथ में आप कैरी करते हो सामान स्टोर करने के लिए उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। और वो हैंकी का उन्हें डर क्या था कि वो कहाँ गुम गया, ठीक है। तो एक उनको मेरे को लगता है कि मेरे एक वीडियो में शायद फंबल हुआ बेटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हिड इन अ डिच और ड्राउंड इन द सी, हिड मींस पास्ट टेंस ऑफ हाइड, यानी या तो वो खाई में जाके छुप गया, क्या, हैंडकरचीफ, या फिर सी में जाके डूब गया, समुद्र में जाके डूब गया, ठीक है। तो हैंकी का वो आपको ये पूछ सकते हैं। और उन्होंने जो हैंकी है वो क्या बताया है, शी बोला है, कौन से प्रोनाउन यूज किया है, शी, नॉट अ ही, यानी उसको फेमिनाइन जेंडर दिया है हैंकरचीफ को, इसमें इन्होंने कौन सा जेंडर दिया है, फेमिनाइन, क्योंकि देखो आप लास्ट लाइन से पकड़ सकते हो, कोई आपको पूछे कि कैसे वो फेमिनाइन जेंडर हुआ, क्योंकि देखो आप यहाँ इन्होंने लिखा है बट शी विल नेवर कम टू माय पॉकेट, तो शी किसको बोला उन्होंने, हैंकरचीफ को, ठीक है। ये एक हो गया। अब मैं आपको इसमें है ना राइमिंग वर्ड्स बता देती हूँ, आपको राइमिंग वर्ड्स तो मालूम ही होंगे, बहुत सिंपल है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे राइमिंग वर्ड्स से रिलेटेड आपको एक नई चीज़ सिखानी है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता हो और मोस्टली हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। तो पहले का देखो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, रो स्नो फ्रो गो प्रिंस डांस सन फन बी सी अगो नो, ये तो आप भी देख लोगे, चाहो तो मैं यहाँ से फिर से बता देती हूँ, रो स्नो फ्रो गो प्रिंस डांस, ठीक है। अब कहाँ अटक जाते हैं हम, बिहाइंड और विंड, ये नहीं होता। देखो स्पेलिंग सेम जा रही है, लास्ट का अगर आप देखोगे बी ई एच आई एन डी बिहाइंड बोलते हैं हम और डब्ल्यू आई एन डी विंड बोलते हैं हम, तो ये राइमिंग वर्ड नहीं आएगा, इसको बोलते हैं आई राइमिंग। क्या बोलते हैं इसको, आई राइमिंग, ई वाई ई आई, ये जो हमारी आईज है तो उसमें आई राइमिंग, बाकी हम जो राइमिंग वर्ड्स अब तक लिखते रहे हैं वो सेम होगा, रो स्नो
फ्रो नहीं सॉरी 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 रो स्नो फ्रो गो, ठीक है, ये जैसे हम राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं। लेकिन आई राइमिंग क्या होता है कि जो लिखने में सेम है लेकिन बोलने में अलग है। स्पेलिंग सेम होगी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्पेलिंग लिखने में सेम होगी लेकिन बोलने में डिफरेंट होगी। देखो बिहाइंड और विंड अलग आ रहा है ना, बिहाइंड और विंड अलग आ रहा है ना साउंड, लेकिन देखेंगे अगर हम लिखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यार राइमिंग है, हमने ऐसे 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 सीखा है तो वो लिख देते, तो ये आपका रॉन्ग आएगा। अगर वो आई राइमिंग पूछेंगे तभी आपको बिहाइंड और विंड लिखना है। अगर सिर्फ राइमिंग बोलेंगे तो जो आपको राइमिंग वर्ड्स एज इट इज पता है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको यहाँ से पूरा बता दिया है कि इस पोएम में क्या बताया है। उन्होंने एक हैंकरचीफ के बारे में बताया जो लास्ट में हैंकरचीफ उड़ जाता है, चार्ली ड्रूइट कॉल का, शी इज अ पोएटस, और उन्होंने उसको जो कपड़े सूख रहे होते हैं क्लोथ्स लाइन में, रस्सी में हो स्टैंड में हो, तो वो किस किस की तरह कंपेयर किए हैं, हॉर्सेस की तरह, फेरी टेल में जो विचेस चुड़ैल होती है डायन होती है उनकी तरह के उन्होंने कंपेयर किए हैं। और उन्होंने एक चीज़ देखो लिस्ट में लिखेंगे ना कि वो बहुत खुश थी चार्ली ड्रूइट कॉल, वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वाज फ्री द लिविंग पैक्स एंड द क्लोथ्स लाइन बिहाइंड शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर। अगर आप इस लाइन को ध्यान से बेटा पढ़ेंगे ना तो एक आदमी ने अपनी कल्पना करके लिखा है कि हमने किसी को किसी चीज पे बांध दिया है, क्योंकि देखो कपड़े हमें चाहिए हमारी यूजेस है, लेकिन उनके एक पोएटेस कवित्री ने बताया कि वो कपड़े अपने आप को उनको उड़ के जाना था, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया कि जिस चीज से हमने बांधा था पैक से जो हमने बांधा था हवा इतनी तेज थी कि पैक भी उसको रोक नहीं पाया और वो हैंकी उड़ के चला गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये पैक मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पैक्स जो होते हैं ना ये बहुत सारे मटेरियल्स में मिलेंगे। देखो मेरे पास तो प्लास्टिक का है, एक वुडन के भी आते हैं, लेकिन मैं वुडन का ना रेनी सीजन में नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि देखो रेनी सीजन में क्या है ना मॉइस्चर रहता है ना तो उस पर फंगस आ जाता है। और एक स्टील के होते हैं, तो स्टील के तो मैं बिल्कुल भी अपने घर पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई कोई क्लोथ्स क्या होते हैं ना डेलिकेट होते हैं, कभी ध्यान में नहीं होता, जल्दी में रहते हैं, उसमें लगा देंगे और फटाफट से खींचेंगे तो कपड़े फटने का डर है, लेकिन कोई कोई यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि पैक्स कौन कौन से मटेरियल्स में होते हैं कि आपके यहाँ आए हैं चलो बताओ, तो फिर आप अटक जाओगे, अरे पैक्स हमारे घर पे तो ये है, फिर बोले हाँ ठीक है तो ठीक है और बताओ, तो आप बता सकते हैं प्लास्टिक के होते हैं, स्टील के होते हैं और वुडन के होते हैं। आपको चाहिए तो मैं एक बार इमेज बता देती हूँ, मैंने निकाल के रखी है पैक की इमेजेस। ये देखो जो मैं वुडन का बता रही हूँ ना, अभी क्या होता है ना ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो मोस्टली आप बहुत लोग इसको खरीदते हैं, लेकिन रेनी सीजन में आप देखना इसको कि इसके अंदर ना ग्रीन ग्रीन कलर का ना फंगस टाइप का लग जाता है, तो वो बाद में ना क्लोथ्स में लगाने के लिए अच्छा नहीं रहता है, तो वो हम लोग तो नहीं लगाते हैं, बाद में रेनी सीजन के बाद हम भी इसको यूज करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये पोएम समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरी डिटेल्स में समझाने के लिए। अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।